hello everyone let's continue our chapter number 5 that is working in powerpoint 2016 so today i will show you the practical part here in previous video we had learned about inserting a new slide how you can insert new slide in powerpoint so as you can see here this is your slide which is inserted by default so if you want to choose slides then how will you choose so what you have to do you have to click on home tab and after then you have to click in new slide okay when you click on new slide you will get various op options or various type of slides which is known as slide layout so from here this slide layout you can choose any slide you would like to choose this is title slide title and content section header to content comparison title only blank content with caption picture with caption so from here you can ch choose any slide you want okay suppose i want this title slide so what you have to do you have to click simply here as you click here you will get the title slide by default your title slide is selected whenever you open the new presentation you will get the title slide automatically okay suppose i want another slide i want this slide comparison slide so you have to click on comparison so will you will uh, you will get the comparison slide now what you have to do you have to सिंपली क्लिक हेयर एंड यू कैन ईजिली एड योर टेक्स्ट हेयर हेयर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग द टाइटल स्लाइड सो हाउ यू कैन क्रिएट टाइटल स्लाइड सो देर इज़ नो नीड टू क्रिएट टाइटल स्लाइड तो आपको यहाँ कोई टाइटल स्लाइड क्रिएट नहीं करनी है जो आपकी जो टाइटल स्लाइड होती है वो आपको पहले से अवेलेबल होती है कहाँ न्यू स्लाइड में ये दिख रहा है आपको ये फर्स्ट टाइटल स्लाइड तो यही क्या होती है आपकी टाइटल स्लाइड जो कि ये मैंने यहाँ पे ली हुई भी है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपकी जो पावर पॉइंट होती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल स्लाइड ओपन होती है अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप वहाँ से कोई दूसरी चूज़ कर सकते हो ठीक है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है आपकी टाइटल स्लाइड सेलेक्ट हुई होती है अब यहाँ पर है कि आप अपना टेक्स्ट कैसे ऐड करोगे तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको देखो टू बॉक्स ओपन हो रहे हैं फर्स्ट में लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल यानी ये किस लिए है ये आपके टाइटल को ऐड करने के लिए होता है यानी आप इसको किस लिए यूज करते हो टाइटल लिखने के लिए ठीक है और जो दूसरा बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ लिखा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल अगर आप टाइटल के बाद कोई सब टाइटल एंटर करवाना चाहते हो या फिर टाइटल के बाद कुछ भी कंटेंट आपको लिखना है तो आप वो यहाँ पे लिखोगे ठीक है और ये जो दोनों बॉक्स हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके ये कहलाते हैं आपके प्लेस होल्डर से बोलते हो ठीक है तो ये जो आपका क्लिक टू एड टाइटल है तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है जो आपका मेन टाइटल होता है मेन हेडिंग होती है वो क्या करते हो आप यहाँ पे लिखते हो ठीक है जैसे सपोज ये क्या है ये आपका टाइटल स्लाइड है ठीक है तो यहाँ पे क्या करना है आपको फर्स्ट वाले में आपको टाइटल ऐड करना है मान लो मेरा टाइटल क्या है कंप्यूटर ठीक है तो मेरा टाइटल है ये मैंने अपना टाइटल लिखा ठीक है ये मेरा टाइटल है अब मैं क्या करूंगी से इसको अगर मुझे क्या करना है यहाँ पे नहीं करना है यानी ये बॉक्सेस को आप इजीली मूव भी करवा सकते हो कहीं भी ठीक है तो मुझे क्या करना है ऊपर को शिफ्ट करना है अपवर्ड्स शिफ्ट करना है तो मैं यहाँ से ईजिली क्या कर सकती हूँ उसको ड्रैग करके अपवर्ड्स शिफ्ट कर सकती हूँ ठीक है इस तरीके से उसके बाद आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो ठीक है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बॉर्डर जो कुछ भी अप्लाई करना है आप इसमें ईजीली कर सकते हो नेक्स्ट आपका सब टाइटल ये नीचे वाला जो बॉक्स है अब यहाँ भी अगर आपको कुछ ऐड करना है तो वो क्या कर सकते हो आप ईजिली एड कर सकते हो ठीक है सब टाइटल में ये देखो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन ठीक है तो ये जो भी मुझे कंटेंट लिखना था मैंने अपना कंटेंट लिखा अब मुझे ये कहाँ ये भी अगर मूव कराना है तो ये बॉक्स आप इजीली ये देखो मूव करवा सकते हो और ये देखो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हो इसे मूव कर सकते हो ठीक है तो आप मुझे क्या करना है सिंपली से उठा के ऊपर पुट करना है तो मैं सिंपली यहाँ से इसे उठा के ऊपर पुट कर दूँगी ठीक है इसके बाद आपको जो भी चेंज करना है अगर आपको इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से कलर तो इजीली इसका यहाँ से चेंज कर सकते हो तो आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो तो 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 आप इजीली क्या कर सकते हो यहाँ से कर सकते हो ठीक है इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो इटैलिक कर सकते हो अंडरलाइन जो भी ऑप्शन आपको अप्लाई करने है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हो ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आ रहा है आप वही करोगे ठीक है तो इस तरीके से आप यूज़ करते हो टाइटल स्लाइड तो आपको इसमें क्या याद रखना है आपको आप क्या करोगे एक तो आप जो अपना टाइटल है वो ऐड करोगे फर्स्ट प्लेस होल्डर में और जो दूसरे प्लेस होल्डर में उसमें क्या करोगे आप जो भी आपका सब टाइटल है या फिर कंटेंट है वो ऐड करोगे नाउ माई नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग अ न्यू स्लाइड टू अ प्रेजेंटेशन तो अभी तक आप देख रहे देखिए अगर आपको स्लाइड ले आउट से कोई स्लाइड लेनी है तो वो कैसे लोगे आप है ना तो अब जो आपका टेक्स्ट है अगर आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है सिंपली तो वो कैसे करोगे ठीक है अब यहाँ ध्यान से देखो यह आपको होम टैब दिख रहा है अब अगर आपको स्लाइड चूज़ करनी है ठीक है यानी कोई और स्लाइड चाहिए चूज करनी है तो आप यहाँ ऊपर क्लिक नहीं करोगे आप यहाँ पे जो ये एरो दिख रहा है आपको है ना ये मोर ऑप्शन का होता है ठीक है रिवर्स ट्राइंगल जो दिख रहा है आप इसमें क्लिक करोगे तो इसमें क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको लिस्ट ओपन मिलेगी है ना लेकिन मुझे कोई चाहिए ही नहीं यानी कुछ चूज नहीं करना जो मेरी स्लाइड है इसी की तरह मुझे आप कॉन्टीन्यूस चाहिए तो आप सिंपली क्या करोगे न्यू स्लाइड यहाँ नीचे से क्लिक नहीं करोगे यहाँ ऊपर से आप अगर सिंपल एक क्लिक आप करते हो तो इस तरीके से आपको देखो दूसरी स्लाइड ओपन मिल जाएगी ठीक है इसी तरीके से अगर आपको तीसरी स्लाइड चाहिए तो सिंपल आप क्लिक करोगे इसी तरीके से तीसरी स्लाइड मिल जाएगी अब पता कैसे चल रहा है कि मेरी कौन सी स्लाइड यहाँ पे ओपन है तो आप यहाँ अगर लेफ्ट साइड में देखो तो वन टू थ्री यानी ये मेरी थर्ड स्लाइड है ठीक है और ये जो आपको छोटी छोटी स्लाइड्स यहाँ पे दिख रही हैं ये क्या कही जाती हैं ये आपकी कहलाती है थम्ब नेल ठीक है तो जितनी स्लाइड भी आप इंसर्ट करवाते हो ठीक है तो इस तरीके से क्या हो जाएंगी आपकी स्लाइड यहाँ पे क्या हो जाएंगी थंबनेल में आपको शो होती जाएंगी ये देखो अब मेरी फाइव स्लाइड्स हो गई है ना तो इस तरीके से आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करवा सकते हो न्यू स्लाइड इंसर्ट करवानी है तो सिंपली आप ऊपर से क्लिक करोगे तो आपकी न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी और अगर कोई दूसरा टाइप आपको स्लाइड का क्या करना है चूज करना है तो ये रिवर्स जो ट्राइंगल यहाँ पे शो हो रहा है इसमें क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगी स्लाइड लेआउट में डिफरेंट स्लाइड्स मिल जाएंगी तो जो भी आपको यहाँ से चूज करना है वो इजीली आप चूज़ कर सकते हो तो इस तरीके से क्या हो जाएगी आपकी स्लाइड यहाँ पे ओपन हो जाएगी अब जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है वो है एडिंग टेक्स्ट टू स्लाइड टू यानी अगर एक से ज़्यादा स्लाइड आपकी पावर पॉइंट में ओपन है और उसमें क्या करना है आपको टेक्स्ट इंसर्ट करवाना है तो किस तरीके से इंसर्ट करवाओगे जैसे अगर आपको यहाँ थर्म नेल में शो हो रहा है यहाँ पे सिक्स स्लाइड्स ओपन है मान लो मुझे फोर्थ स्लाइड में काम करना है ठीक है फोर्थ स्लाइड में जो भी इंसर्ट करवाना है अपना टेक्स्ट इंसर्ट करवाना है तो वो किस तरीके से करवाऊंगी तो सिंपली आपको थर्म नेल में जाना है जिस स्लाइड में आपको काम करना है ठीक है मान लो मुझे स्लाइड फोर ओपन करनी है तो आप थंबनेल में जाओगे सिंपली क्या करोगे स्लाइड फोर में क्लिक कर दोगे तो जैसे ही आप स्लाइड फ़ोर में क्लिक करोगे तो ये स्लाइड यहाँ पे ओपन हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आप स्लाइड ओपन करोगे और यहाँ पे क्या करोगे जो भी आपको इंसर्ट करवाना है जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है इस तरीके से यहाँ पर टाइटल आता है, है ना तो आप यहाँ पर टाइटल इंसर्ट करवा सकते हो फिर यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट है वो इंसर्ट करवा सकते हो तो यहाँ पे देखो बुलेट्स यूज हो रहे हैं यानी आपको कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो ठीक है जैसे मैं यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स करती हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मैंने राम लिखा दूसरा मैंने श्याम लिखा तीसरा मैंने मोहन लिखा तो इस तरीके से अगर आपका कुछ डेटा इस टाइप का है जहाँ फर्स्ट आपको टाइटल चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए कुछ लिस्ट आपको क्रिएट करनी है तो ये स्लाइड आप यूज़ कर सकते हो और थम नेल में अगर आप देखो तो फोर्थ में देखो यहाँ पे कुछ आपको टेक्स्ट एंटर किया हुआ दिख रहा है तो ये वही है जो मैं यहाँ कर रही हूँ है ना यहाँ पे देखो मैं आगे कुछ लिखती हूँ तो यहाँ पे भी देखो साथ साथ में आपको शो हो रहा है है ना तो यहाँ से आप क्या करोगे स्लाइड सेलेक्ट करोगे जिसमें भी आपको काम करना है तो आप इजीली किसी भी स्लाइड में क्या कर सकते हो काम कर सकते हो और इस तरीके से क्या करोगे आप अपने टेक्स्ट को एंटर करवाओगे किसी भी स्लाइड में हेयर अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग यानी आपने जो भी स्लाइड चूज किया है उसमें आपने जो भी टेक्स्ट एंटर करवाया उसमें अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग या एडिटिंग करनी है तो किस तरीके से आप करोगे तो आप कुछ भी अप्लाई करो कोई भी फॉर्मेटिंग कोई भी एडिटिंग करो सेलेक्शन इज मस्ट अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हो टेक्स्ट जिसमें आपको फॉर्मेटिंग एडिटिंग करनी है तो कंप्यूटर आपका रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि किस में आपको चेंजेस लाने ठीक है तो इसीलिए आपका सिलेक्शन जो होता है वो मस्ट होता है तो जैसे आपको ये कंप्यूटर यहाँ पे गिवन है ठीक है यहाँ पे मुझे क्या करना है इसका कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा और ये मुझे चेंज करना है तो आप क्या करोगे सिंपली से सेलेक्ट करोगे ठीक है माउस को होल्ड करके रखना है और जितना पोर्शन आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप ऑप्शन में जाओगे जो भी ऑप्शन आपको चूज़ करना है मान लो मुझे इसका कलर चूज़ करना है ठीक है तो यहाँ पे देखो अगर पीछे अगर आपको ये देखो शो हो रहा है तो कंप्यूटर देखो यहाँ पे येलो हो रहा है ठीक है ग्रीन हो रहा है ब्लू हो रहा है तो ये आपको दिखा भी रहा है कि अगर आप ये सेलेक्ट करते हो तो किस तरीके से आपका टेक्स्ट अपेयर होगा ठीक है तो मैंने ये रेड चूज़ किया तो ये देखो मेरा क्या हो गया कंप्यूटर का जो कलर था वो चेंज हो गया अब यहाँ पे देखो ये कलर चेंज नहीं हुआ है सिर्फ ये कलर चेंज हुआ है क्यों क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया है ठीक है तो सेलेक्शन इंपॉर्टेंट है जो भी चेंजेस आपको करने तो सेलेक्शन इज मस्ट